दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं पाई कंपनी का स्क्रू ड्राइवर जो कि मैंने ऑफलाइन परचेज किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए। इससे आप छोटे मोटे घर के जितने भी काम होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर का हो गया, रेफ्रिजरेटर का हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सी हो गया, इलेक्ट्रिकल काम हो गया, सीलिंग फैन टेबल फैन हो गया, तो घर के जितने भी काम होते हैं वो इस स्क्रू ड्राइवर से आप इजिली कर सकते हैं। इसकी जो पॉलिथीन है यहाँ से फटी हुई है, तो ये आप देख सकते हैं पाई कंपनी का स्क्रू ड्राइवर है 18 इंच। देखिए ऊपर ही लिखा है यहाँ 18 इंच स्क्रू ड्राइवर किट विद नियॉन बल्ब। तो इसका जो देख सकते हैं यहाँ लिखा है पाई 595, पाई 595 इसका कुछ मॉडल नंबर होगा, ऐसा हो सकता है। तो मैंने ऑफलाइन परचेस किया है तो मुझे लगा आप लोगों के साथ इसे शेयर करना चाहिए। और ये जो स्क्रू ड्राइवर है आपके घर के जितने भी काम होते हैं, बिजली का काम हो गया, कंप्यूटर का काम हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, या फ्रिज कह सकते हैं, या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो आपको नॉर्मल जिसमें घर का काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें आपको सारे मिल जाएंगे। तो इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देख सकते हैं जैसे कि इस पर मेंशन किया गया है 18 वन, तो आप देख सकते हैं 18 वन इसमें है कि नहीं। इसके पॉलिथिन साइड में लगते हैं, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, देखिए तो ये 18 वन स्क्रू ड्राइवर है और जो कि बहुत अच्छा है। 8 इसके अंदर हैं, आप देख सकते हैं, आपको मैं सारे एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर है, उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा है, फिर उस सबसे बड़ा है, 3 ये हैं हमारे पास। उसके बाद इसके अंदर ये फ्लिप स्क्रू ड्राइवर है, ये छोटा है, और उसके बाद ये इससे बड़ा है, आप देख सकते हैं इसके अंदर ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। ठीक है, ये इधर रखते हैं। दूसरा इसमें एक ये स्क्रू ड्राइवर दे रखा है जो हो सकता है आपके कई बार काम आए, तो ये भी स्क्रू ड्राइवर इसमें दे रखा है। और एक सबसे बड़ा इसमें फिलिप स्क्रू ड्राइवर ये भी दे रखा है, ये भी साइज दे रखा है इसके अंदर। उसके बाद इसमें एक्सटेंशन रोड, ये जो एक्सटेंशन रोड है इससे आप जो है इसका साइज बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें न्यून बल्ब लगा हुआ है इसके अंदर, तो ये टेस्टर का काम भी करता है। तो देखिए ये इसका, इसे आप यहाँ पर लगाने के बाद कोई भी इसमें जो है आपको जो भी स्क्रू लगाना है, स्क्रू ड्राइवर लगाना है, वो लगाने के बाद इसे आप यहाँ से टाइट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये लगाना है, तो ये मैं इसमें लगाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये कट दे रखा है, इसी तरह हमें लगाना है, तो ये जो कट है इसमें फिट हो जाएंगे। ये इजिली फिट हो चुका है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। और मान लीजिए हमें इसका साइज बढ़ाना है, जो इसकी एक्सटेंशन रोड दे रखी है उसके जरिए हम इसका साइज बढ़ा सकते हैं। इसे मैं निकाल देता हूँ। निकालने के बाद ये आप देख रहे हैं, तो इसे मैं यहाँ पर फिट करता हूँ। फिट करने के बाद इसी तरह यहाँ पर मैं इसे थोड़ा लूज करके फिट करता हूँ इसमें। हाँ, हो चुका है। अब मैंने ये इसमें लगा दिया है, उसके बाद इसे मैं यहाँ से टाइट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी जो है लेंथ बढ़ चुकी है, तो आपका कई जगह काम आएगा। कई जगह ऐसा होता है जो हमारा छोटा स्क्रू ड्राइवर होता है वो काम नहीं कर पाता, उसके लिए हमें लेंथ चाहिए होती है। तो एक्सटेंशन रोड के जरिए आप इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी इसमें जितने भी इसमें आप दे रखे हैं स्क्रू ड्राइवर, आप कोई भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था, अगर आपको घर के लिए, घर के छोटे मोटे कामों के लिए चाहिए अगर कोई स्क्रू ड्राइवर, तो ये जो है 81 स्क्रू ड्राइवर पाई कंपनी का, इसे आप ले सकते हैं। और सब कुछ इस पर मेंशन है, पाई 595 है, इस पर रेट लिखा है देखिए 320, 320 रुपये का लिखा है, लेकिन मैंने ऑफलाइन परचेज किया है 165 रुपये का। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि यही स्क्रू ड्राइवर आप ऑफलाइन अगर परचेज करते हैं तो आपको 165 या 170 का आपको मिल जाएगा, जो कि मैंने 165 का खरीदा है। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, तो ये आपको ऑनलाइन काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो घर के सारे जितने भी काम होते हैं, जैसे बिजली का काम हो गया, वॉशिंग मशीन, मिक्सी आपको मैंने बताया, या फ्रिज वगैरह हो गया, या कंप्यूटर वगैरह हो गया, तो इससे आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं जो कि आपको इस अमाउंट के अंदर और किसी में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप टपारी कंपनी का लेते हैं तो टपारी का ले सकते हैं, अच्छा है, लेकिन उसमें 18 वन नहीं मिलेगा आपको, वो आपको 200 के आसपास का, जिसमें आपको 5 या 6 मिलते हैं, और एक्सटेंशन रोड आपको नहीं मिलती। और ऑनलाइन यानी कि फ्लिपकार्ट वगैरह पर और ज़्यादा कॉस्टली है।
इसकी जो बिल्डअप क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। आप घर के छोटे मोटे कामों के लिए आप इसे ले सकते हैं। ऑनलाइन परचेज मत कीजिएगा, ऑफलाइन परचेज कीजिएगा। आपके पास जो भी लोकल शॉप है, हार्डवेयर की शॉप है, वहाँ जाके एक बार पता कीजिएगा। मैंने एक हार्डवेयर की शॉप से परचेज किया है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसकी जो रखने वाली जो ये जो उसका बॉक्स दे रखा है वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो इस तरह आप अपने सारे स्क्रू ड्राइवर इसमें रख सकते हैं और इजिली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपने सारे स्क्रू ड्राइवर रख सकते हैं, इजिली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। इसे आप यहाँ से लूज़ करेंगे तो ये निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक्सटेंशन रोड आप निकाल सकते हैं, इसे भी आप रख सकते हैं ऐसे। उसके बाद इसे रख सकते हैं। तो ये इसकी जो इसका बॉक्स वगैरह दे रखा है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का दे रखा है, तो इजिली इसे आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं।